कॉस्टिंग में दो पार्ट आता है. एक आता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग और दूसरा पार्ट आता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. टेक्निक्स मतलब यहां पे ऐसे कुछ रूल्स आप पढ़ते हो जो सबके लिए लागू है, ऐसे रूल्स विच आर यूनिवर्सल टू ऑल, यूनिवर्सल फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सल फॉर ऑल इंडस्ट्रीज. मेथड्स में आप यहां पे जो पढ़ते हो वो ऐसे टेक्निक होते हैं जो हर इंडस्ट्री के स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक टू एन इंडस्ट्री. मतलब जो सीमेंट वाले के लिए लागू है वो कंस्ट्रक्शन वालों के लिए लागू ना भी हो, समझे. जो सीमेंट वाले के यहां लागू है वो हॉस्पिटल चलाने वालों के लिए लागू नहीं है, तो उनका सोचने का तरीका और उनका सोचने का तरीका में डिफरेंस होगा, एस्टिमेशन में डिफरेंस होगा. ओके, तो उनके यहां क्या चलेगा, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग चलेगा. टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में नंबर वन आ रहा है, नाम लिख रहे हैं खाली, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. नंबर टू है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब आपका सिलेबस बनता है. नंबर थ्री है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. मतलब अगर ये सब सीख लिया तो आपका किसी भी इंडस्ट्री में कॉस्टिंग करने का बुद्धि आ गया. ठीक, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में जैसे कि एक नाम है गुड्स के लिए, यहां पे बनाते हैं दो पार्ट निकाल के, एक है गुड्स के लिए दूसरा है सर्विसेज के लिए. जो नाम सर्विसेज के लिए हैं, जो नाम सर्विसेज के लिए हैं, उसमें एक ही नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये आपका अलग चैप्टर होता है. और जो नाम गुड्स के लिए हैं उसमें फिर दो पार्ट आते हैं, एक आता है मूवेबल और दूसरा आता है इमूवेबल. इमूवेबल गुड्स की इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चलता है, ये सब चैप्टर का नाम है आपका. मूवेबल में दो नाम आता है, एक कस्टमाइज्ड दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड. सो कस्टमाइज्ड में है जॉब कॉस्टिंग, स्टैंडर्डाइज्ड में है प्रोसेस कॉस्टिंग. ये अगेन आपके चैप्टर्स के ही नाम है, जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग. अगर बल्क में बनाते हो तो इसी के साथ जुड़ जाता है बैच कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग तब आता है जब आप बल्क में बनाते हो, जब आप एक एक यूनिट करके बनाते हो तो उसी का नाम आता है यूनिट कॉस्टिंग. वो प्रोसेस कॉस्टिंग को सपोर्ट करता है यूनिट कॉस्टिंग. यूनिट कॉस्टिंग मतलब होता है एक एक यूनिट बनाते हो आप, मतलब एक साथ बहुत सारा यूनिट नहीं बन सकता. जैसे फॉर एग्जांपल घड़ा बनता है, घड़ा मटकी का, मिट्टी का घड़ा बनता है ना, पॉट, एक साथ मशीन में मिट्टी डाल दो, हाँ ऐसा होगा क्या, एक साथ 100 घड़ा बन के निकलेगा, नहीं होगा, एक एक करके बनाना होगा उसको, है कि नहीं. तो वहां पे यूनिट कॉस्टिंग, समझे. बैच कॉस्टिंग तब लगाओ जब आपको लग रहा है, जब आपको लग रहा है कि आप बहुत सारा बनाते हो. जैसे कस्टमाइज प्रिंटिंग जॉब्स, हम लोग का जो मैट वैट बनता है ना,
बैच कॉस्टिंग में बनता है, कस्टमाइज्ड है, अपने हिसाब से बनाते हैं और एक साथ बहुत सारा बनाते हैं। जॉब कॉस्टिंग मतलब प्रिंटिंग जॉब्स भी हो जाएगा उसमें, जैसे आप मान लीजिए अपने लिए कुर्ता पजामा बनवा रहे हैं अपने हिसाब से, तो क्या होगा वो जॉब कॉस्टिंग होगा। अब स्टैंडर्डाइज्ड में यूनिट के साथ साथ यहाँ पे बैच भी हो सकता है, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली ओरिजिनल नेम है। अब एक एक यूनिट बना तो यूनिट कॉस्टिंग, एक साथ बहुत सारा बना तो बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग ओरिजिनल नेम है, एक एक यूनिट बना तो जॉब और एक साथ बहुत सारा हो रहा है तो बैच। तो ये सारे दोस्तों कॉस्टिंग टेक्निक्स ही आपके सिलेबस का पार्ट बनते हैं। इससे आपको समझ में आया कि सिलेबस में इतना सारा चैप्टर सो पढ़ नहीं पड़ता है, समझ में आया? ओके।